आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप बिना नाम के फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। नॉर्मली आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उस फोल्डर को कोई नेम से क्रिएट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बिना नेम के फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट होता है या उस फोल्डर का आप कोई नेम दे देते हैं। जैसे अगर आप कोई फोल्डर आप क्रिएट कीजिएगा तो न्यू फोल्डर के नाम से या आप उस फोल्डर का कोई नेम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट फोल्डर है तो डॉक फाइल दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर आप फोल्डर का नाम डिलीट करके इंटर करेंगे, अगर आपने मान लीजिए फोल्डर का नाम यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करके अगर आप बाहर भी प्रेस करेंगे तब भी उस डॉक्यूमेंट का नाम आ जाता है, या आप उस फोल्डर का नाम यहाँ से अगर डिलीट भी कर देंगे तब भी उस फोल्डर का नाम यहाँ से आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बिना नेम के फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फोल्डर का रीनेम कीजिएगा और यहाँ से इस फोल्डर का नेम को डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद आपके कीबोर्ड में जो स्पेस बार बटन होता है उसके लेफ्ट साइड में जो अल्ट होता है उसको आप प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद आप कीबोर्ड में जो नम पैड होता है, नंबर वाले पैड जो राइट साइड में होता है, उसमें आप प्रेस करेंगे 255, दो बार 5 प्रेस करना है। इसके बाद अल्ट क्यू को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। इसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो फोल्डर जो क्रिएट होगा वो बिना नेम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिना नेम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसी में दूसरा आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं बिना नेम का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से न्यू फोल्डर पर क्रिएट करेंगे, इसके बाद इस फोल्डर का नाम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसके बाद अल्ट को प्रेस करके रखे रहना है। इसके बाद आपको टाइप करना है नम पैड में 255, इसके बाद अल्ट क्यू को छोड़ देना है। फिर दोबारा क्या करना है आपको कि यही प्रोसेस फिर दोबारा करना है बिना कोई बटन को प्रेस किए हुए। आपको क्या करना है कि अल्ट को प्रेस करना है, इसके बाद फिर दोबारा 255 इंटर करके अल्ट क्यू को रिलीज़ कर देना है और इसके बाद इंटर को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आपका दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर आपको तीसरा फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पे यहाँ से क्लिक करेंगे। आप फोल्डर को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे न्यू फोल्डर पे, इसके बाद यहाँ से फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आपको करना है न्यू फोल्डर, जो आपको फोल्डर्स का नाम रीनेम है उसको आपको करना है डिलीट। इसके बाद आपको आपको प्रेस करके रखे रहना है अल्ट और 255, इसके बाद अल्ट क्यू को छोड़ देना है, इसके बाद दोबारा अल्ट को प्रेस करना है, इसके बाद फिर टाइप करना है 255, इस बाद फिर अल्ट को छोड़ देना है, इसके बाद आपको फिर प्रेस करना है अल्ट और 255, यानी तीसरा फोल्डर के लिए तीन बार हमको ये प्रोसेस करना है। इसके बाद अल्ट को छोड़ देंगे, इसके बाद हम प्रेस करेंगे इंटर तो आपका तीसरा फोल्डर यहाँ से क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से आप फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर इसमें बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं।